नमस्कार और इंडी न्यूज में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी प्रकरण में सोमवार को फैसला आना है। इससे पहले शहर में पुलिस सतर्क है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे वाराणसी में चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। डॉट काशी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से शहर की निगरानी की जा रही है। वाराणसी के सिग्रा स्थित त्रिनेत्र भवन में 24 घंटे निगरानी हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। काशी के पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में एरिया डोमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। PRVS और QRTS को सेंसिटिव पॉइंट्स पर लगाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पर चेकिंग और अलर्टनेस बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस के चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिले के सभी पुलिस थानों को एडिशनल CP संतोष सिंह व CPS सतीश गणेश ने निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश सोमवार को बेहद अहम फैसला सुनाने वाले हैं। राखी सिंह और अन्य चार महिलाओं ने याचिका डाली हुई है। ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन का मामला वाराणसी के अदालत में चल रहा है, जिस पर पूरे परिसर के सर्वे का काम अदालत के आदेश के बाद कराया गया। मई और जून में पूरे देश में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ था।